डर लग रहा है ना, क्या बोल सकते, इतना डर लग रहा है कि हम बोल भी नहीं सकते भाई, बहुत डर लग रहा है कसम से। तो हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ, और ये जो व्लॉग बन रहा है ये हमारी गाड़ी से बन रहा है, और हमारी गाड़ी का फर्स्ट व्लॉग है, मतलब हमारी गाड़ी में जो हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट व्लॉग। शाहरुख भाई कैसे हो? एकदम बहुत दिन बाद भाई। अरे भाई, और तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? फ्रैक्चर। सोचो, फ्रैक्चर होने के बाद भी शाहरुख भाई आए, तो एक लाइक शाहरुख भाई के लिए। तो आज का सीन कैसा है, उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज शाहरुख भाई आपको बताएंगे कि हम लोग, मतलब हम लोग तो नहीं जाएंगे, ये पीछे जो बैठा दिखा रहे अविनाश तेरा चेहरा, ये अविनाश और ये पिंकेश, ये दोनों जाने वाले हैं शमशान घाट के अंदर, और वो कौन सा शमशान घाट है वो सारी बातें आपको शाहरुख भाई बताएंगे। तो शाहरुख भाई बताइए कौन सा शमशान घाट है और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग इनको टास्क देने वाले हैं, इन लोग बहुत उड़ते हैं, तो देखते हैं इन लोग क्या करते हैं अंदर जाके। हाँ, तो मालूम पड़ेगा ना, पहले सुन तो लो भाई। आज तक आप लोगों ने जो शमशान घाट के बारे में किए, उधर पे कैसा कि जो एक एक गांव में रहते शमशान घाट के, ये गांव के लोग यहीं पे आना चाहिए, आप लोग वो हिसाब से ब्लॉग बना। और ये जो शमशान घाट है ये इक्वल है, मतलब किसी के लिए भी, मतलब कोई भी आ सकता है, जाके देखेंगे कैसा है क्या नहीं। तो हम लोग तो नहीं जा रहे भाई, जाने वाले हैं ये अविनाश और पिंकेश, और ये लोग एक बार जाके आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये लोग बहुत उछलते हैं कि हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। अभी डर लग रहा है कि जाओगे? अरे कुछ नहीं डर, नहीं डरते, हम डरते नहीं भाई, हम डरते ही नहीं है, मतलब नहीं डरते, नहीं डरते जरा भी, तो डरते ही नहीं भाई। शाहरुख, क्या लगता है तेरे हिसाब से कि क्या होना चाहिए? नहीं डरो भाई, कोई बात नहीं, इन लोगों को जाके मालूम पड़ेगा भाई, कलयुग है, कुछ भी बोलते हैं इन लोग, ये बोल रहा कलयुग है। आदाले में जो आप लोग बोलते हो ना कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उन लोगों में से भी है बहुत लोग जो लोग करके गए यहाँ पे आके, ये लोग भी वैसे ही बोल रहे, कुछ नहीं होता है, वो जाके समझते हैं। शाहरुख भाई टेंशन मत लो, लोग जाके जाके आएंगे, दिखाएंगे हम आपको। चलो आदर्स, तेरे को क्या लगता है? भाई मेरे को तो डर लगता है थोड़ा थोड़ा, महसूस होता है, झूठ क्यों बोलूं, होता तो होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं 30 मार्क खा लूं। तो चलो फिर कोई बात नहीं, इन दोनों को कैमरा देते हैं, इन दोनों को भेजते हैं, और देखते हैं फिर इन लोग को डर लगता है कि नहीं, और हो सके तो सब चीज अच्छे से एक्सप्लोर करना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और डर लग रहा है कुछ हो रहा है, हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठे, तुम लोग तुरंत आ जाना, ठीक है, या तो फिर फोन कर देना अगर कुछ, फोन कर देंगे, फोन कर, ठीक है। तो चलो फिर ये कैमरा इन लोग के हाथ में देते हैं, और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां के थ्रू भी आप लोग सारी चीजें सजेस्ट करोगे, तो अभी तो हम लोग कहीं पे भी आ जाएंगे, आप लोग के घर भी आ जाएंगे, ठीक है, गाड़ी तो, पास है। तो अभी आप उन देते हैं इनको, और फिर उसके बाद आप लोग आगे देखो। तो अभी हम लोग शमशान घाट, मतलब बाहर गेट के यहाँ खड़े हैं, ये अविनाश और मैं पिंकेश, तो हम लोग अभी जा रहे धीरे धीरे, तो चलो आप आगे दिखाते हैं हम लोग क्या होता है। चलो अविनाश, अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरा इधर सुनसान एरिया है, करीबन रात के, आप देख सकते हो करीबन रात के ढाई बज रहे हैं। अभी आपको हम दिखाना चाहते हैं, इधर अंदर जाने में भी डर लग रहा है हमें, उस साइड चलो हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा डरावना अंदर जाते हैं, कुत्ता भौंक रहा है, आराम से स्मेल आ रही है अजीब सी, बॉडी का, इतने रात को यार शमशान घाट में जाने, नाम सुनते ही डर लगता है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेट्स सी, डरावना, अरे बाप रे बाप, अरे उधर क्या है, कुत्ते देख उधर, कुत्ते देख भाई, अरे माँ कसम, अरे बाप उधर देख, अरे नीचे देख भाई, उधर देख यार कुछ तो है मगर यार अविनाश, इधर, हाँ मेरे को लगता है उधर देख, पिंकेश उधर लगा, उधर देखना, डर लग रहा है, रुक, ये बॉडी जहाँ जलती है, अभी हम लोग जहाँ बॉडी जलती है, देखो ये लोखन पे, मतलब ऐसा लकड़ी रहता है, ये बॉडी जलती है, आगे मत जा, सुनसान, ढाई बज रहे रात के, ढाई, बहुत डर लग रहा है यार कसम से, उधर मत जाओ, एक तो फर्स्ट टाइम हम लोग शमशान घाट आए हैं, इतना सुनसान लग रहा है यहाँ, देखो आपको दिखा सकते हैं हम लोग, उधर मत जा, आगे मत जा, कैसा फील हो रहा पता तुझे?
भाई बहुत डरावना लग रहा है भाई, सच में यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। इधर अभी तो बॉडी का भी स्प्रे हो रहा है, इधर बॉडी का भी बास आ रहा है, इधर कुछ जला रहे थे। डर लग रहा है, डर लग रहा है यार, बहुत डरावना है। एक काम करते हैं, फ्रंट कैमरा अभी बाहर चलते हैं हम लोग। एक काम करते बाहर चलते हैं। अरे करने ना, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों? चल चल बाहर, रुक 2 मिनट, उधर से मत चल, उधर से मत चल, उधर से मत चल। ये शमशान घाट है, यहाँ बॉडी जलती है, ये हम लोग जा रहे हैं। चलो एक बात बताऊँ, अगर आपको कोई भी बोले कि रात को 2:30 बजे आपको शमशान भूमि में आना है, आप आओगे? मेरे आँख में देख लो, चमक आ जाएगा भाई, चमक। बहुत डरावना जगह है। चलो चलते हैं भाई, 5 मिनट भी रुकेंगे तो बहुत निगेटिव एनर्जी आ जाएगी। मैं तो सुबह सबसे पहले पहले सुबह मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाके पहले पूजा करूंगा, क्योंकि सबसे हॉरर हॉरर जगह है, बहुत डर लग रहा है। इधर कैसा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, बोल नहीं सकते भाई। 2:30 बजे कोई शमशान भूमि आया के सुनने से ही डर जाएगा। 2:30 बजे हम लोग आए, देखिए देखिए इधर का पूरा सराउंडिंग एरिया देखिए खाली। उधर हम लोग गए थे, जिधर थे उधर जहाँ लाश जलती, इधर बॉडी जलती है पूरा। अभी बॉडी का कसम से डर बहुत डर है ना, इतना लग रहा है ना, क्या बोले, मगर क्या करे, आना पड़ता है यार ब्लॉग के लिए, तुम लोग के लिए। चलो बहुत चैलेंजिंग है भाई, बहुत चैलेंजिंग है। 2:30 बजे 3 बजे कोई रात को हॉरर बनाने के लिए नहीं आ सकता, बहुत बहुत। चलो भाई कैसा लग रहा है भाई, शमशान घाट से बाहर निकलते हुए? मेरे आंखें देखो, पहले आंखें देखो, आंखें देखो भाई, आंखें देखो, बहुत हॉरर डर लग रहा है भाई। तो अभी हम लोग शमशान घाट के मतलब गेट है ना, वहाँ खड़े हैं हम लोग। अंदर गए ना, जो फील हम लोग को हुआ, ये देखो, ये रोंगटे ना, रोंगटे, ये एक मिनट के नहीं, रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। बहुत अजीब फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, सांस भी बढ़ गई, धड़कन भी बढ़ गई, बोल नहीं सकते भाई। 2:30 बजे 2:30 बजे कौन आता है भाई, आँख देखो मेरा। सबसे पहले पहले सुबह नहा धो के पहले मैं मंदिर जाऊंगा भाई। आवाज़ देखो कैसा हो गया भाई, सच्चा हॉरर भाई, बहुत डर लग रहा है भाई, कसम से। फाइनली तो फाइनली इन लोग शमशान घाट से आ गए। तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ कैसा था? हम लोग ने वीडियो देखा, तुम्हारी कितनी फट रही थी ना, सब मालूम पड़ा यहाँ पे। मैं नहीं जाऊँगा पवन भैया अभी, नेक्स्ट टाइम। तबीयत खराब हो गया मेरा, मेरे तो आँख पूरा लाल लाल हो गए। तो फिर क्यों इतना एक्साइटेड था तुम लोग जाने के लिए? अभी हम लोग को क्या मालूम उधर जाके क्या होने वाला। तो एक्साइटेड तो तुमको बताया भी गया था, हम लोग ने कितना बता रहे थे तुम लोगों को। मैं अभी आइंदा नहीं जाऊंगा, जोश जोश में होश खो गए, होश खो दिए। अच्छा सबसे सबसे डरावनी चीजें वहां पे तुम लोगों को क्या लगी? सबसे डरावनी चीजें मेरे को एक मतलब किसी का आंख दिख रहा था। अच्छा कुत्ते का, बाद में पता चला कुत्ता है, कुत्ते का मतलब आंख दिख रहा था, तो डर गया, पूरा डरावना था, डर गया था उसी टाइम, डर गया था। तो हाथ से तो कैमरा तक छूटने वाला था, वो अच्छा वो था, हमें पकड़ लिया। गिरने भी वाला था, गिरने वाला था भाई। तुम अगली बार से मत जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में मेरा कैमरा गिर जाए। हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा शुरू से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फिर जब तुम लोग को ऐसा लगा था तो फिर तुम लोग जाने के लिए क्यों रेडी हो? क्योंकि हम लोग तो ऐसे शमशान भूमि में गए, कोई मतलब कुछ होता है, क्रियाकर्म होता है, तो हम लोग उधर जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है नॉर्मल है, दिस इज अ रूटीन वर्क। तो फिर उधर गए, हमको ऐसा लगा, जब पता चला साला इतने रात को जाना है। अंदर जाने के बाद जो हमको जो उधर दिखा ना, वो सबसे डेंजर चीज, बार बार आग के सामने एक ही चीज आ रही है, और आग के सामने एक ही चीज आ रहा है, और भाई गाड़ी चला रहे थे तो कुछ तो ऐसा बोले तो मैं डर ही गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब चल रहा है तुम लोग जब वहां पे गए थे, तो तुम्हारे मन में कैसा, पहले डर लगा या बाद में लगा? नहीं नहीं नहीं, पहले हम लोग जब गए ना, हाँ, तब डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं, कुछ डर नहीं लगा, ऐसा नॉर्मल दिखने लग गया ना, मतलब आंख वगैरह ये दिखा उधर सब, बॉडी धीरे धीरे ना मतलब ऐसा फील आने लग गया, नहीं यार होता कुछ नहीं है, मगर जब धीरे धीरे अंदर मतलब सब सामने। अच्छा अगर अगर अगली बार जाने बोले तो जाओगे? नहीं अब मैं नहीं, अगली बार तो नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाओगे? नहीं नहीं, नहीं। जाएंगे तो 100 लोग के साथ में जाएंगे, 100 लोग तो पक्का, 100 लोग तो पक्का। मतलब ये लोग किसी को मारना चाहते हैं फिर जाएंगे उसके बाद? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी अगर आप लोगों को दिखा होगा, मतलब इन लोग को जो भी नहीं मालूम पड़ रहेगा, जो लोग अभी से ही बाय कर रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, ये कितना पहले तो बोल रहा था एकदम जाना है, कैसा बोल रहा था शाहरुख?
एकदम एक्साइटेड था। बोलता है, हम लोग अलग है एकदम। अलग है तो फिर अलग क्यों नहीं दिखाया। तो चलो फिर कोई बात नहीं, अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कर दो। और कोई भी अगर हॉन्टेड प्लेस आप लोग को मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाके आप लोग फॉलो करो और वहां पे बताओ। तो अभी हम लोग चलते हैं, दूसरा एक और हॉन्टेड प्लेस है वहां पे हम लोग को जाने हैं, उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो आप लोग जरूर देखना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो अभी जो जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले, जो शाहरुख भाई बता रहे थे, वहां पे नहीं आएगा वहाँ। हम लोग कार के अंदर बैठे, कार में बैठेंगे और इधर मस्त एसी चालू करके सो जाएंगे। और नहीं आओगे? नहीं, फिर अगली बार से इनको लाएंगे भी नहीं, ठीक है? फिर तुम लोग घर पे सोना, जब सोना ही है तो। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, टाटा सी यू, टाटा।